मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट लविन तेजवानी। मेरा उल्लास यानी मेरा, आपका, हम सभी का शहर उल्लासनगर। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी गतिविधियां और क्या है इसके घटनाक्रम। मेरा उल्लास टीवी न्यूज पे आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर वर्ष की तरह इस बार भी कमला नेहरू नगर धोबी घाट में श्री दुर्गा माता परिवार की तरफ से सहस्र चंडी यज्ञ और 1.25 लाख पैताम्बर जाप का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम का लाभ उठाने पहुंचे साईं पार्टी के अध्यक्ष और उपमहापौर श्री जीवन इंदानी और उनकी टीम। हर वर्ष कमला नेहरू नगर धोबी घाट में श्री दुर्गा माता परिवार की तरफ से शतचंडी महायज्ञ तथा 1.25 लाख पीताम्बरा जाप का आयोजन किया जाता है। इस बार भी इस परिसर में दुर्गा माता मंदिर में यह धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां विशेष रूप पर साईं पार्टी के अध्यक्ष और उप महापौर श्री जीवन इदनानी अपनी टीम के साथ पहुंचे और इस धार्मिक कार्यक्रम का लाभ उठाया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। Thank you.
आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। गुलमैदान स्थित रोटरी मिडटाउन पार्क में नववर्ष के उपलक्ष्य में एक सिंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जहां पर विशेष उपस्थिति दर्ज करवाई साइन पार्टी के अध्यक्ष और उपमहापौर श्री जीवन इद्दानी और उनकी टीम ने। उल्लासनगर मिडटाउन जे मिडटाउन रोटरी पार्क में असानी क्लब मिडटाउन सीनियर सिटीजन क्लब इतने गुजरात 14 साल का वी बाय बाय 2018 वेलकम 2019 हर साल क्यों असा मेंबर इतने आया है सब खुश हैं। मिस्टर जीवन इंदानी भी आया है, मिस्टर महेश सुखरामानी भी आया है। मैं उल्लास वालों को तह दिल शुक्र गुजार आया जेके इतने आया असो प्रोग्राम कैप्चर करें पहुंचाए रहा है। जय झूलेलाल। मिडटाउन सीनियर सिटीजन जो बाय बाय 2018 प्रोग्राम ढो कामयाब रो। दादा मोहनदास माखीजा सजी टीम के वादायूं। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। अमन टाकीज रोड पर स्थित यूएमसी गार्डन में मूनलाइट मेडिटेशन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसका लाभ सैकड़ों महिलाओं ने उठाया। स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र के कर्म योगी योग गुरु दादा दौलतराम चांदवानी जी से प्रेरणा लेकर उल्लासनगर शहर में मून लाइट मेडिटेशन का शुभारंभ किया गया है। यह योग की एक ऐसी पद्धति है जहां चांद की रोशनी में योग और ध्यान किया जाता है ताकि चांद जैसी शीतलता हमारे तन मन को शांत शिथिल रखे और हम तनाव से दूर रहें। हाल ही में अमन टाकिस रोड पर स्थित यूएमसी गार्डन में मूनलाइट मेडिटेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। बिजली विभाग के रोज नए कारनामे सामने आ रहे हैं। बिजली बंद होते भी मीटर चालू रहता है, सिग्नल दिखाई देता है और रीडिंग चालू रहती है और लोगों को कई गुना ज्यादा रकम के बिल भेजे जा रहे हैं। अभी अभी हमने एक पाया है कि बैरक नंबर 205 रूम नंबर 12 के पास खड़े हुए है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल के पाल्मोन कंपनी के मीटर लगे हुए हैं, उसमें से 2 मीटर अभी बिना किसी लोड से चल रहे हैं, जो कि मीटर गारंटी पीरियड में 14 का है मैन्युफैक्चरिंग, तो 5 साल भी नहीं हुआ तो भी ये मीटर बिना लोड के चल रहे हैं। ऐसा कई केसेस होते हैं जिसमें ग्राहक को इसका भुगतान करना पड़ता है। बाकी तो इधर 3 जो मीटर लगे हुए हैं, 3 जो मीटर है वो बराबर है, लेकिन ये मीटर बिना लोड के कई दिनों से चल रहे हैं। ये पता कैसे चलता है कि भाई बिना लोड के मीटर है? बिना लोड के चल रहा है, इसका मतलब पूरा सप्लाई यदि अपन बंद कर देंगे जी, बंद करेंगे तो पूरा इंडिकेशन ये जो फ्लैश है ये चलना नहीं चाहिए। ये फ्लैश है, ये दोनों, ये मीटर एक और मतलब, ये मीटर एक, मतलब जो रेड फ्लैश है, हाँ रेड फ्लैश है वो चलना नहीं चाहिए बंद में नहीं। हाँ, सप्लाई यदि बंद रहता है तो चलना नहीं चाहिए। मतलब आपने अभी सप्लाई बंद कर दिया? हाँ, पूरा सप्लाई रेड डॉट आ रहा है। हाँ, मतलब है इसका मतलब मीटर का रीडिंग घूम रहा है और कई टाइमों से घूम रहा है। वी जितने कंपनी इस और कभी भी ध्यान नहीं दे रही है, इसका मतलब इसका भुगतान जो ग्राहक को है जानबूझ के करना पड़ रहा है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चाहिए कि जैसे इस बात की ओर ध्यान दे, जिन भी लोगों ने ये मीटर खरीदे हैं, 2014 का मैन्युफैक्चरिंग है और 5 साल नहीं होता तो भी मीटर बिना लोड चलता है, इसका मतलब क्या है? और ग्राहक को इसका बिल, खरीदी बिल, टेस्ट रिपोर्ट और जो भी कोई ISI रिपोर्ट कुछ भी दिया नहीं जाता है और ना ही टेस्टिंग रिपोर्ट दिया जाता, तो ग्राहक करे भी तो कहाँ न्याय मांगे?
बाद में फिर ये मीटर यदि अपन लैब में लेके जाते ठंडा हो जाता है तो बाद में जैसा कि वैसा नॉर्मल हो जाता है। फिर वो विद्युत कंपनी के अधिकारी ये बोलते कि नहीं मीटर तो बराबर है, तो इसका मतलब इसीलिए स्पॉट को हमने वेरिफिकेशन किया उस स्पॉट पे कि देखा कि देखो ये दोनों मीटर अभी भी पूरा सप्लाई बंद करने के बाद चल रहे हैं। ये बड़ी गंभीर बात है और एक ग्राहक के साथ सीधा खिलवाड़ है और ग्राहक को सीधा सीधा मतलब उसके जेब पे डाका डालने वाली बात है। इसलिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और श्री मोदी जी तथा फंडनीय मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन करता हूँ कि इस और ध्यान देके ग्राहक का ग्राहक के तरफ का जो लूट हो रहा है उसके और ध्यान देके विद्युत कंपनी की पूरी जांच न्यायिक हाईकोर्ट के से न्यायिक जांच करवाए ताकि लोगों को इसकी राहत मिल सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत टाइम से चल रहा है। नहीं नहीं अभी अभी थोड़ा वायर वायर खराब हो गई थी तभी हमने दिखाया तो बोला बिगर ये चल रहा है। बहुत टाइम हो गया। बहुत आता है बिल, अभी दिखाएंगे ना सब जो है। इतना दो माले के ऊपर फैन भी नहीं चलाते हैं तो भी बिल बहुत आते हैं। हवा है उधर, फैन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है तभी भी बहुत बिल आ रहा है। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। पूज्य वावा पंचायत द्वारा माता शीतला देवी मंदिर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में माता की ज्योत का आयोजन किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पंडित कैलाश शर्मा जी। असंजे पूज्य बाबा पंचायत के तरफा श्री शीतला माता मंदिर में उल्लास नगर में 8 तारीख शाम जो मंगल के ढी जोत जो प्रोग्राम रखे असंजे पूज्य बाबा पंचायत के तरफा मंगल के ढी शाम जो 7-11 तई पूज्य बाबा पंचायत के तरफा श्री शीतला माता मंदिर में जोत जो कार्यक्रम रखे वो सभी भावर भेनर के आह्वान था क्यों विनती था क्यों जोत से अची माता जी कृपा से अची पेंजो जो भी प्यार भरो भाव आ अची भरो और माता जो दर्शन कयो जोत जो दर्शन कयो और असांजे मंदिर के जो श्री शीतला माता मंदिर आ असांजे उल्लासनगर में एकड़ो ही मंदिर आ प्राचीन मंदिर आ और सर्व मनोकामना पूर्ण कर मंदिर आ असांजे श्री शीतला माता मंदिर में जो भी श्री शीतला माता जो भक्त इन उनके ये खबर आ है ते माता शीतला मंदिर और थदे जो जो भी कार्यक्रम असांजे मंदिर में कार्यक्रम में जी भी थींदा तेरस तेरस ही मेलो लगन और असा श्री शीतला माता मंदिर उल्लासनगर में यो प्राचीन मंदिर आ सर्व मनोकामना पूर्ण कर मंदिर आ याद रखो श्री शीतला माता मंदिर में शाम जो 7-10 मंगल के ढी 8 तारीख प्रोग्राम रखे हुआ जोत जो पूज्य बाबा पंचायत की तरफा श्री शीतले माता की जय। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। विश्व सिंधी सेवा संगम की तरफ से सिलवासा में दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया जहां पर साईं वसरशाह दरबार के संत साईं कालीराम साहेब जी ने गीत संगीत की मौज मचाई। गुजरात सिलवासा में विश्व सिंधी सेवा संगम के सेकंड कन्वेंशन का प्रोग्राम रखा गया। इस अवसर पर विशेष रूप से साईं वसन शाह दरबार के संत साईं कालीराम साहब को इनवाइट किया गया। इस अवसर पर उल्लासनगर के अध्यक्ष लखीकारी माखीजा और नरेश रोयरा ने साईं जी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कृष्णा माखीजा, खानू माखीजा, राजू पंजवानी,
हीरो केवल रामानी, इंदर गोपलानी और नरेश वाधवानी सहित कई लोग उपस्थित थे। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर कैंप 3 में स्थित टाउन हॉल में लॉर्ड्स कॉन्वेंट स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे साई पार्टी के अध्यक्ष और उप महापौर श्री जीवन इन्नानी और उनकी टीम। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। पतंजलि योग समिति उल्लासनगर शाखा की तरफ से विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाता है, ताकि लोग योग के द्वारा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहें। इस बारे में अधिक जानकारी यहां दी जा रही है। ओम श्री साई नाम। हर बार की तरह इस बार की क्रिसमस वेकेशन में श्री सत्य साई सेवा समिति एवं पतंजलि योग समिति बच्चों के लिए एक विशेष योग कैंप रखने जा रहा है। ये कैंप रहेगा 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक श्री सत्य साई सेवा समिति सेंटर नेहरू चौक पे। इसका एड्रेस है, पूरा एड्रेस है गंगा दर्शन सोसाइटी, सेकेंड फ्लोर। इसके टाइमिंग रहेंगे सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इसमें बच्चों को योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनको हाइट बढ़ाना
और पढ़ाई में जैसे बहुत ही ज़्यादा शार्प हो, उस माइंड के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाएंगी। योग के अलावा इस कैंप में हम बच्चों को माइंड गेम्स खिलाएंगे उनका माइंड शार्प करने के लिए। और आजकल के गूगल एज में बच्चे अपने वैल्यूज भूलते जा रहे हैं पेरेंट्स की और टीचर्स के प्रति, तो हम कोशिश करेंगे इस कैंप में कुछ स्क्रिप्चर्स के द्वारा उनमें हम वैल्यूज़ जगा सकें। तो याद रखिए 26 दिसंबर से 30 दिसंबर बच्चों का कैंप सुबह 9 से लेकर 10:30 बजे तक डेली। रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट करें 9322-500-53। ओम साई नाम। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान के लिए स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए मेरा उल्लास की टीम आपको मिलवाती है किसी न किसी योग शिक्षक से, जो देते हैं आपको हेल्दी और फिट रहने के टिप्स। नमस्कार, हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। आज हम सोच की नहीं मोच की बात करेंगे। अक्सर देखा जाता है जो लोग तेज गति से दौड़ते हैं या तेज गति से चलते हैं कि अचानक पैर मुड़ जाने के कारण उन्हें मोच आ जाती है। कई लोगों को असहनीय दर्द होता है, सहन शक्ति की हद पार कर जाती है वो पीड़ा, और हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द इससे छुटकारा मिले। तो हम आपको बताएंगे आज घरेलू उपाय कि कैसे आप डॉक्टर के पास जाए बिना घरेलू उपचार से अपनी मोच को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है फिटकरी यानी ओलम। आप एक ग्लास गर्म दूध में आधा चम्मच छोटा सा फिटकरी मिला दें, उसे मिक्स करें और धीरे धीरे चुस्की लेकर पीते जाएं तो आपको दर्द से राहत मिलेगी। दूसरा उपाय है हल्दी। आप हल्दी को थोड़े से गर्म पानी में डाल दें, उसे मिक्स करें और मोच वाले स्थान पर लगा दें। एक घंटे के बाद गुनगुने पानी से उस पेस्ट को निकाल दें तो आपको राहत मिल जाएगी। अगर आपके पैर में सूजन हो गई है तो बर्फ़ के टुकड़ों को आप अपने मोच वाले स्थान पर रख सकते हैं, जिससे 2-3 घंटे के अंतराल में आपका दर्द भी मिट जाएगा और आपकी जो सूजन है वो भी समाप्त हो जाएगी। पैर की मोच में तुलसी भी एक वरदान साबित हो सकती है। तुलसी के पत्तों को पीस लें, हल्का सा पानी डालकर मिला लें और मोच वाले स्थान पर लगाएं। आप चूना और शहद को मिलाकर भी मोच वाले स्थान पर लगाएंगे तो आपको दर्द से भी राहत मिलेगी और मोच की असहनीय पीड़ा भी दूर हो जाएगी। एक और कारामद उपाय है गेहूं की रोटी। हर घर में गेहूं की रोटी बनती है, तो बस उस गेहूं की रोटी को एक साइड पकाना है और एक साइड छोड़ देना है। जिस तरफ पकाना है उसे छोड़ दें और जिस तरफ आधी कच्ची हुई रोटी है, नहीं पकी हुई है, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लें, सरसों का तेल लगा दें, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें और मोच वाले स्थान पर जहां आपको सूजन है वहां पर उस रोटी को कपड़े से बांध दें। आप 2 घंटे बाद उस रोटी को वापस निकाल लीजिए और देखेंगे कि आपकी सूजन भी चली जाएगी और मोच का भी नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये थे मोच के कारण हुई असहनीय पीड़ा और सूजन से छुटकारा पाने के उपाय। तो फिर मिलते हैं हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस के अगले एपिसोड में। और जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको विनंती करूंगा कि अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को ये ज़रूर कहें कि हमारा हेल्दी लाइफ सॉल्यूशन चैनल यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि देश और दुनिया के तमाम लोग उसका लाभ उठा सकें और डॉक्टर के पास जाने की बजाय घरेलू उपचार से अपना इलाज करा सकें और खुश रह सकें। और यही हमारी कामना है, आप सदैव प्रसन्न रहें और दूसरों को भी खुश रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा उल्लास।
धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।